क्या तुमने खरगोश और कछुए की कहानी में कभी कछुए को हारते हुए देखा है? अब ये मत बोल देना कि कौन सा खरगोश कौन सा कछुआ। अरे मोदी जी, इनका बेसिक क्लियर कराओ आप पहले। बॉलीवुड का कछुआ यानी अपने अक्षय कुमार जो स्टेप बाय स्टेप पूरी ईमानदारी से डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं, अचानक से उनका करियोग्राफ खुद से नीचे आ गया। कैसे हुआ ये बताओ जरा, नहीं समझ आ रहा तो मेरी सुन लो। हर बार की तरह यहाँ भी अपन अलग अलग बिंदुओं से जाएंगे। नंबर 1 दिहाड़ी, नंबर 2 देश का बच्चा, 3 बेबी आज नहीं नेक्स्ट टाइम, नंबर 4 सेम सेम पर डिप्लेंट, नंबर 1 पे आते हैं वो है दिहाड़ी, 1 दिन के 1 करोड़। जल्दी ना जल्दी ना पैसा ही पैसा हो गया। पहले तो मेरे को वो लोग पसंद नहीं आते जो बोलते हैं यार अक्षय कुमार कितना पैसा चार्ज करते हैं। अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई, मोटा पैसा कमा रहे हैं, मोटा काम कर रहे हैं। आमिर खान को देखो यार, वो कमाई में हिस्सेदारी लेते हैं। देखो एंड ऑफ द डे तो सबका काम है पैसा कमाना। अब अक्षय कुमार को इतना मिल रहा है क्योंकि उनकी मार्केट में इज्जत है, तो वो लेंगे ही ना। अभी मैं तुमको 21 दिन में पैसा डबल करने की स्कीम बताऊंगा तो तुम इन्वेस्ट करोगे कि नहीं। पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो अक्षय कुमार के लिए दिहाड़ी बन गई है। एक मजदूर दिन के 200-300 रुपए लेता है मान लो। अगर वो कोई काम करने जाता है तो ठेकेदार उसको एक दिन के अंदर होश के उतना ज्यादा रगड़ता है, चाहे उसके काम की क्वालिटी कैसी ही हो। तू बस खत्म करके दे मेरे को एक दिन में पूरा मामला। अब सीन ये हो जाता है कि अक्षय कुमार की मूवीज के जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मूवी को लिपटाने में रहते हैं। अब ऐसे में क्वांटिटी तो बढ़ेगी पर भैया क्वालिटी में तो गिरावट आएगी ही। फिर बोलते हैं कि अरे 40-50 दिन में खत्म कर ली हमने तो। और एक बार ऐसे ही अपने अक्षय कुमार जी ने एग्जांपल दिया था हॉलीवुड में टॉम क्रूज का, कि उन्होंने भी अपनी मूवी का इतनी दिनों में काम कर लिया। तो बताओ क्या दिक्कत है तुमको जल्दी काम करने में। पर यहां पे तुमको एक चीज समझ नहीं होगी कि वहां पे जब मूवी बनती है तो उसका प्री प्रोडक्शन होता है, पोस्ट प्रोडक्शन होता है। उन्होंने ओनली शूटिंग का काम खत्म किया था 50 दिन के अंदर, बाकी काम को तो 1.5 साल दिया ना उन्होंने। वो बात अक्षय कुमार जी को समझ नहीं आई। 2020 से अब तक 12 मूवीज आई है, जिसमें से अगर आप सूर्यवंशी और OMG 2 को निकाल दो तो बाकी का तो सत्यानाश ही हुआ है। अब ऐसे मत बोल देना कि लक्ष्मी तो OTT पे आई थी और आपकी वो कठपुतली भी OTT पे आई थी, ठीक है ना। नंबर 2 की बात करते हैं, देश का बच्चा। अक्षय कुमार ने क्या सीन कर लिया था 2010 के बाद, एक फॉर्मूला बना लिया था, 4 मूवीज पर ईयर। एक मूवी होगी समाज सुधारक की, एक देशभक्ति की, एक कॉमेडी, एक बायोग्राफी, पूरे साल का कोटा खत्म। और इसी फॉर्मूले की वजह से अपन को काफी तगड़ी तगड़ी मूवीज देखने को मिली जो बॉलीवुड में शायद बनती भी नहीं। आई थिंक मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपकी टॉयलेट एक प्रेम कथा हुई, पेडमैन हुई, एयरलिफ्ट हुई, बेबी हुई, स्पेशल 26। मूवीज के साथ साथ अक्षय कुमार ने जो काम किए समाज के लिए उनसे भी अक्षय कुमार के प्रति लोगों की एक इमेज बन गई थी, अक्षय कुमार द समाज सुधारक देशभक्त। फिर अचानक से अपने अक्षय कुमार जी एड करने आते हैं बोलो जुबा केसरी, फिर ऊपर से न्यूज वालों ने वीजा वाला पंगा भी उठा दिया कि ये तो इंडियन है ही नहीं। और बाद में अक्षय ने आगे आके सबके सामने चीजें क्लियर भी की, उन्होंने एड छोड़ भी दिया, वीजा वाला मामला भी समझा दिया। पर क्या एक्टर की इमेज उसके फ्लॉप होने का कारण बन सकती है? आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा को उनके पुराने स्टेटमेंट की वजह से तगड़ी तरीके से विरोध देखने को मिला, मतलब लोग थिएटर के अंदर जा के तोड़ फोड़ कर रहे थे। तो सेम इफेक्ट अक्षय कुमार के साथ भी हुआ, क्योंकि आप जानते नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का क्या पावर है। जब मूवीज आ रही थी और साथ ही पंगा चल रहा था, लोगों ने लिंक शेयर करने स्टार्ट कर दिए थे व्हाट्सएप ग्रुपों में, मूवी देखनी है भाई साहब आपको ये लो लिंक, पर थिएटर में जाके मत देखना, घर पे ही देखना, भाभी जी को भी दिखाना, अपने बच्चों को भी दिखाना, होल प्रिंट। नंबर 3 बेबी आज नहीं नेक्स्ट टाइम। अपनी जो मेजॉरिटी ऑडियंस है, मतलब जो जनरल ऑडियंस है, वो मूवी चूज करती है एक्टर को देख के। लॉकडाउन के पहले सिस्टम था कि आमिर खान की मूवी आएगी तो पक्का तगड़ी आएगी, इंटरटेन करेगी, सामाजिक मुद्दा उठाएगी, और 2 साल में एक बार आते थे तो ईद की चांद की तरह उनको देखने से लोग पीछे हट ही नहीं रहे थे। आमिर की मूवी चलो भाई चलो, पता नहीं फिर कब आएगी। इसी चीज को देखते हुए SRK ने भी ब्रेक ले लिया, वो भी ईद के चांद बन के 4 साल बाद आए, तभी पठान मूवी ने 1000 करोड़ कमा लिए, वरना मूवी तो एवरेज है। अब अपने अक्षय कुमार जी तो हर दूसरे दिन आ रहे हैं, बाबू किसकी मूवी लगी, अक्षय की कैसी है, ठीक नहीं है, चलो अगली बार चल लेंगे, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सिस्टम हो गया है। पॉइंट नंबर 4 सेम सेम बट डिफरेंट। 2020 के बाद 4 मूवीज का रीमेक कर चुके हैं आपके अक्षय कुमार। कंचना से बनाई लक्ष्मी, जिगर ठंडा से बनाई बच्चन पांडे, रक्षाशन से बनाई कठपुतली, और मलयालम पिक्चर ड्राइविंग लाइसेंस से बनाई सेल्फी। और आज के टाइम में तो रीमेक मूवी कर ली मतलब तुमने पाप कर दिया है। और अपने अक्की बाबू ने तो एक बार नहीं चार बार पाप किया है, मतलब गुनाह ही कर दिया। और लॉकडाउन के टाइम लोगों ने साउथ की मूवीज को बहुत देखा है, तो फिर फेमस मूवीज का रीमेक करना भी बड़ी वाहियात सी बात हो जाती है। लोग लक्ष्मी देखने बैठे, अरे ये तो देखी देखी लग रही है, यूट्यूब पे देखा, अरे कंचना ओहो सेम सेम, चलो अक्षय कुमार है तो देख लेते हैं, पर ये तो रीमेक ही घटिया है, तो इसका मतलब क्या अक्षय कुमार की कोई अच्छी मूवी नहीं आएगी। बिना सोचे समझे मेरे वीडियो देखने वाले और फिर कमेंट सेक्शन में जाके कुछ उल्ट सुल्ट लिखने वाले, जियान है आप। अगर तुमने वीडियो
यहाँ तक देख लिया है तो चीजें समझ नहीं आ रही, तो एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं। पिछली 10 मूवीज घटिया देने का मतलब ये नहीं हुआ कि अक्षय कुमार का पावर चला गया है, बॉक्स ऑफिस पे नंबर नहीं आएंगे। सीन क्या है, जितनी भी मूवीज आई थी ना ये लॉकडाउन से पहले साइन की हुई थी और ये मूवीज एक साथ रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पे गंदा परफॉर्म किया बिल्कुल। छोटे मियाँ बड़े मियाँ से लोगों की बहुत ज्यादा आज जुड़ी है। अभी अक्षय कुमार उस टॉयलेट एक प्रेम कथा वाली मोड में बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। जस्ट नीड वन गुड मूवी ओनली। बाकी तुम बताओ तुम्हें क्या रीजन लगता है कि अक्षय कुमार की मूवीज इतनी फ्लॉप क्यों हो रही है। बाकी ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना, मैंने यहाँ पे बात करी है कि शाहिद कपूर को क्यों सुपरस्टार्स की गिनती में नहीं रखा जाता, और ये वाला वीडियो भी चेकआउट कर लेना। ऋतिक के बारे में बात करिए, ऋतिक ऋतिक बाय बाय।